सो हेलो गाइज, कैसे आप सब? दोस्तों, कुछ टाइम पहले अकूडो ऐप ने अपना जो है पेमेंट पार्टनर चेंज किया था, और उसके बाद दोस्तों अभी फाइनली जूनियर ने भी अपना पेमेंट पार्टनर चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जूनियर का भी नया पेमेंट पार्टनर है ट्रांसकॉर्प करके कुछ है, क्योंकि दोस्तों पेमेंट पार्टनर होता है उनके साथ ही KYC जुड़ा हुआ रहता है। जो आपका जो है नया पेमेंट पार्टनर उसके साथ नया KYC करना होगा दोबारा से, और क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमें एज अ यूज़र, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या इसका बेनिफिट। सबसे पहले दोस्तों, इसका सबसे पहला जो बेनिफिट वो हमें ये मिलेगा कि दोस्तों इसका जो कार्ड नया वाला होगा, जो कि होगा ट्रांसकॉर्प के साथ, सिर्फ 1 रुपये में कार्ड मिलेगा। और प्लस दोस्तों, अगर यूज करते हैं रेफरल कोड कार्ड ऑर्डर करने के टाइम पर, जब दोस्तों कार्ड को आप पहली बार स्वाइप करेंगे तो आपको दोस्तों 1000 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। आपके जूनियर कार्ड में मिलता है इसका पर्सनल यूपीआई आईडी, मतलब आपको मिल जाएगा QR कोड वगैरह। जूनियर अपने बाकी सब इंप्लीमेंट कर रहा है ये फीचर, आप UPI के थ्रू, जी हाँ दोस्तों UPI के थ्रू भी आप पैसा ऐड कर सकते हैं जूनियर में। और इसमें दोस्तों मिल जाएगा आपको पर्सनल UPI आईडी, लाइक आपका जूनियर डॉट आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और उसके बाद @ICICI बैंक रहता है इनका UPI आईडी, तो ऐसा कुछ है इनका UPI आईडी। अगर आप करते हैं फुल KYC, तो जी हाँ दोस्तों इससे मिल जाएगा आपको फुल KYC का ऑप्शन, मतलब आप चाहे तो फुल KYC करवा सकते हैं आधार OTP वगैरह के थ्रू। मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक का लिमिट आपको मिल जाता है ऑप्शन, अगर आप चाहे तो करवा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत है फुल KYC में। और प्लस दोस्तों आपको मिल जाएगा इसमें ATM विड्रॉल का फैसिलिटी, जो कि अभी तक आया नहीं है, कुछ टाइम बहुत जल्द जूनियर ला रहा है, तो फुल KYC के बाद ही आप ATM से पैसा निकाल पाएंगे। और बाकी दोस्तों इसमें मिल जाता है बहुत सारा कैशबैक का ऑफर, लाइक 2% कैशबैक मिल रहा है UPI लोड मनी पर, अगर आप पैसा लोड करते हैं UPI से और खर्च करते हैं उसको। तो चलिए चलते हैं मलगसन में, देखते हैं कैसे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे और अपना KYC को दोबारा से कंप्लीट करेंगे नए बैंकिंग पार्टनर के साथ। गाइज, जब आप जूनियर ऐप अपडेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर डाल देना OTP, जो कि आपका आएगा पेरेंट के मोबाइल नंबर पर, तो मैं यहाँ OTP देख के डाल देता हूँ। और दोस्तों मैंने डाल दिया OTP। दोस्तों बाकी आपको अपने पेरेंट डिटेल्स डालना, लाइक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ अपनी मम्मी का डिटेल्स, आपको डाल देना यहाँ पैन नंबर अपनी मम्मी का, या जिसका भी डालना होगा पेरेंट डाल देना, पैन नंबर कर देना कंटिन्यू। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको बस दोस्तों आपको सब कुछ दोबारा से कंफर्म करना और कर देना नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर आएगा OTP, और आपको OTP को यहाँ डाल के कर देना है कंटिन्यू। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो KYC हो रहा है, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। यहाँ दोस्तों हमारा जो मनी वगैरह हो ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों हमारा जो है माइग्रेशन हो चुका है कम्प्लीट। यहाँ दोस्तों हमारा जो अकाउंट है कम्प्लीटली बन चुका है नया जूनियर में। यहाँ दोस्तों आप दोबारा से जूनियर कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये सब कुछ ऑफर्स मिलता है आपको, यहाँ दोस्तों मिल जाता है QR वगैरह जिससे आप पैसा ऐड कर सकते हैं, और आपका एक ICICI बैंक का पर्सनल UPI आईडी मिल जाता है जिससे आप पैसा ऐड कर सकते हैं जूनियर में, अपना जूनियर वॉलेट में पर्सनली पैसा ऐड कर सकते हैं यहाँ से। बाकी दोस्तों आपको कार्ड को एक्टिवेट करना होगा दोबारा से यहाँ पर, दोस्तों यहाँ के दोबारा से अपना कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मिल जाएगा आपको पुराना वाला कार्ड, जहाँ से आप अपना पुराना बैलेंस को खत्म कर सकते हैं, पुराना बैलेंस को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये तक हमारी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।